आप सब लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आप सब लोगों को जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं फातिमा नफीस को सलाम पेश करता हूँ कि इन दो सालों में इतने दर्द के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, उसके बावजूद उनके घर पर रेड डाली गई, इसके बावजूद अभी तक वो अपना हौसला नहीं आ रही है, अभी तक उस लड़ाई को जारी रखी है। और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, इस लड़ाई को जब तक हम नजीब को वापस ढूंढ के नहीं लाते, आपसे हम कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे और नजीब को हम वापस लेकर आएंगे। आपका हौसला हमसे नहीं है, हमारा हौसला आपसे है। मैं सलाम करता हूँ माजिद की वाइफ को, मैं सलाम करता हूँ जुनैद की माँ को कि जिन्होंने इस लड़ाई को आज दिल्ली में लेकर आए। मैं सलाम करता हूँ राधिका अम्मा को। इस सरकार को लग रहा था, एबीवीपी के गुंडों को लग रहा था, आरएसएस को लग रहा था, अप्पा राव को लग रहा था कि रोहित को मार के हम सबको सबक सिखाएंगे और रोहित को मार के हम सबको खत्म कर देंगे। आपने एक रोहित को मारा है, आप इस सभा में आके देखिए और इस देश में जाके देखिए, आज लाखों करोड़ों रोहित शामिल हैं। और वो लाखों करोड़ों रोहित जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक वो नजीब को वापस ढूंढ के नहीं लाते, वो लाखों करोड़ों रोहित जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक माजिद को वापस ढूंढ के नहीं लाते, वो रोहित रमुना जब तक सांस नहीं लेगा, जब तक वो जुनैद को, पहलू खान को, अखलाक को और वो तमाम लोग जिनके खिलाफ जुल्म हुआ, जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, रोहित रमुना हम सब की लड़ाई में, हम सब में जिंदा है और जिंदा रहेगा और इस सरकार की ओर गिराएगा। सीबीआई आज बोल रहा है कि उस रिपोर्ट, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहता है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का क्लोजर रिपोर्ट वो वहां कोर्ट में लाना चाहता है। मैं सीबीआई से सवाल पूछता हूं, इतने सालों में आपने क्या किया है जो आप इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? आज तक उन लोगों ने, जिन लोगों ने नजीब को पीटा, जिन लोगों ने 14 अक्टूबर को नजीब से जान से मार देने की धमकी दी, आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आज से 2 महीने पहले सीबीआई ने मुझको और नदीम खान को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इस घटना को मैं 24 घंटे बाद जाना, नदीम खान इस घटना से 7 दिन बाद प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन इंटरोगेशन के लिए हमको बुलाया जा रहा है और एबीपी के लोगों को छूट दी जा रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सीबीआई से, आप किस आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं, जबकि कोर्ट ने यह बात मानी है कि दिल्ली पुलिस ने झूठा गवाह पेश किया था कोर्ट के अंदर, ये गवाही देने के लिए कि नजीब को हम जामिया छोड़कर आए थे, कोटे वाले को लेकर आए थे और उसको जामिया में देखा गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं, जब कोर्ट ने पाया है कि आप पुराने डेट का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आते थे और डेट बदल के सीबीआई उसको अगली डेट पे लेकर आता था, तो किस आधार पे आप इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक उन सारे पुलिस कर्मियों को, चाहे वो सीबीआई में हो चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, जिन्होंने झूठे गवाह पेश किए, जिन्होंने झूठे सबूत पेश किए, और वो तमाम पत्रकार या पत्रकार बोलने वाले वो लोग जिन्होंने नजीब के बारे में झूठी अफवाहें न्यूज के तौर पर पेश करी, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये नजीब के इंसाफ की लड़ाई उस चीज को भी शामिल करती है। आज जिस तरीके से सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देना चाहती है, उसी तरीके से सरकार अलग अलग कमिटियां बना के, पिछले साल रिपोर्ट आई थी रूपनवाल कमीशन रिपोर्ट की, जिस कमिटी का ये मैंडेट ही नहीं था तो इस चीज को देखे कि रोहित वेमुला की जाति क्या है। उसका पूरा का पूरा कमिटी का फोकस सिर्फ इस चीज पर था कि रोहित वेमुला को किसी तरीके से हम दलित साबित ना करें, ये साबित कर दें कि वो